बिहार में पिछले 35-40 सालों में ज्यादातर लोगों ने वोट चार ही मुद्दे पर दिया है। पहला, यहाँ एक जाति के नाम पर लोग वोट देते हैं, जैसे देश के अन्य कई हिस्सों में लोग जाति पर वोट देते हैं वैसे यहाँ पर भी लोग जाति पर वोट देते हैं। दूसरा, यहाँ पर विचारधारा और धर्म हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देने वालों की एक बड़ी संख्या है। तीसरा, एक बड़ा वर्ग बिहार में ऐसा है जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है, वो भाजपा का वोटर नहीं है, वो वोट लालू जी के डर से करता है, भाजपा को इसलिए करता है कि वो किसी भी हालत में लालू जी के जंगल राज को वापस नहीं देखना चाहता है। और चौथा, यहाँ पर एक वर्ग है जिसमें ज्यादातर लोग मुसलमान समाज के हैं, जिनके पास मजबूरी है, वो भाजपा को वोट कर नहीं सकते हैं तो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं, वो भी लालू जी को चाहने वाले हैं या लालू जी को पसंद करते हैं, आरजेडी के वोटर हैं ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लालटेन को इसलिए वोट करते हैं क्योंकि उनको भाजपा से डर है या भाजपा को वोट कर नहीं सकते। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य यही है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आपकी जो समस्या है, आपके बच्चों के भविष्य की जो स्थिति है, वो तब सुधरेगी जब आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिएगा। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दीजिए। इसीलिए इस पदयात्रा के दौरान सुबह से शाम तक हर 2-2.5 किलोमीटर पर रुककर गांव में सड़क के किनारे छोटी छोटी सभाओं में हम लोग ये जाकर लोगों को समझा रहे हैं।